सारे छड़ आई। कल्ला कल्ला पुत्र सी डटा और मेरा कोई सारा नहीं है, गरीब नहीं मैं। साडा एक भरा सी दा ते इन्होंने उन्होंने घर जबरदस्ती बुला के कुड़ी ने फोन किया ते वो कहती जल्दी आओ ते उन्होंने इन्होंने पहला कुटिया है उनके माँ प्यो ने फिर इन्हू इन्होंने दवाई पिया दी ढा के ये मेरे मुंडे ने उन्हें घर सद के कुड़ी ने फोन किया मेरे मुंडे ने घर सद के उन्होंने धक्का किया उन कुड़ी के माँ प्यो ने घर सद के दवाई पियाई गई। एक 16 साल का एक बच्चा है जिसका नाम जोबन है जिसका किसी कुड़ी ना कोई मामूली या कोई अफेयर वगैरह चल रहा है पर उन्हें लोगों ने इस कुड़ी तो फोन करवा के उस बच्चे ने अपने घर बुलवाया तो घर बुला के उसको जोड़ा धक्के जबरदस्ती जहरीली दवाई पिया दी गई। ये भजा आता से उधरों तो फिर मैं इन्होंने सोटिया हाथ में फड़िया सी तो फिर उन्होंने गाला भी देंदे सीगे तेन मार के कलमा सीता उन्होंने मार ही दिता तो हूँ कलमा जहरीली दवाई पियान तो बाद उसनू जिहड़ा सिविल हस्पताल जिहड़े उदू डंडे मार के कुट के घरों कढ़िया गया वो बच्चा जदों बेहोशी की हालत में आया उसने अपने घर आके अपने प्यो नू अपने माता पिता नू सारी गल आके दसी उत्थे उस बच्चे ने बयान दे के अपने मूँह तो अपने बयान दे के उसकी उत्थे मृत्यु हो गई। बलबीर सिंह करमजीत कौर ते कुड़ी दा नाम कमलप्रीत कौर हूँ मुंडे की डैथ हो गई है जी। मुंडे का नाम हैगा वा जोबन जोबन नाम का मुंडा सी उहदा अंजाम उहनां दा बयान जो लिखिया कि लड़की के घरदिआं ने उहनूं बुलाया तो बुला के उत्थे उहनूं धक्के नाल मूँह तों पॉइजन पाती उहनूं रैफर किया गया सी मैडिकल कॉलेज फरीदकोट उत्थे उहदी डैथ हो गई सी कल। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਮੋ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਵਲ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਪਈ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਲਣਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਤਲ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਣ ਮੈਂ ਪਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਇਹ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਬੂ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ। ਜੱਸਾ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮਸਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪਿਆਈ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜੋਬਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਿਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
सिविल हॉस्पिटल एडमिट करवाने तो बाद उसनू सिविल हॉस्पिटल वाले मैडी सिटी जो भेज दिता गया। मैडी सिटी तो बाद जो फरीदकोट मैडिकल कॉलेज लिया गया उत्थे उस बच्चे ने बयान दे के अपने मूँह तो अपने बयान दे के उसकी उत्थे मृत्यु हो गई, डैथ हो गई उनकी, तो संसार नू अलविदा कहा गया। मतलब कि चार भैणों का इकला भरा सी जिहड़ा एक कला चिराग सी अपने परिवार का जिसनों वो लोगों ने बुझा दिता, तो उस तो बाद हाले तक जिहड़ा परचा पुलिस प्रशासन वालों दर्ज कर दिता गया 307-302 SC/ST एक्ट 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर दिता गया थाने सदर विच, पर दोषियों की गिरफ्तारी हाले तक नहीं की गई। इस करके अज जिहड़ा धरना प्रदर्शन बॉडी रख के उस बच्चे की बॉडी रख के धरना प्रदर्शन जिहड़ा किया गया कि जद तक इस दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया किया जाता उद तक इस बच्चे का संस्कार जिहड़ा परिवार का कहना असीं नहीं करांगे। ये बॉडी किस जगह पर रखी हुई है? ये बॉडी इस हुण तां इस जदों असीं खड़े हाँ तो सदर थाने बाहर बिल्कुल बॉडी रखी गई है जी, तो पर आने गल हुई है प्रशासन के अधिकारियों वालों, उन्हों का कहना भी असी अज रात तक या एक दो दिन तक असी बंदे जड़े अरैसट कर लाँगे, गिरफ्तार कर लाँगे, तुसी इंदा बॉडी का दे संस्कार कर दिओ। पर परिवार का कहना उन्होंने फादर साहब खड़े है वो कहें जो तक साढ़े वो बंदे जो दोषी गिरफ़्तार नहीं किए जाते उदों तक असी जिहड़ा बिल्कुल भी असी अपने बच्चे का इस बॉडी का दे संस्कार नहीं करांगे। 180 नंबर मुकदमा दर्ज होया वा 307 दर्ज होया सी, आफ्टर दैट हुण मुंडे की डैथ हो गई है जी। मुंडे का नाम हैगा वा जोबन, जोबन नाम का मुंडा सी। उहदा इल्जाम उन्होंने बयान जो लिखिया कि लड़की के घरदियां ने उन्हूं बुलाया तो बुला के उत्थे उन्हूं धक्के नाल मूँह पॉइजन पाती, उन्हूं रैफर किया गया सी मैडिकल कॉलेज फरीदकोट, उत्थे उहदी डैथ हो गई सी कल। अज उहदा पोस्टमार्टम करा के ते डेड बॉडी जिहड़ी उहनां दे घरदिआं दे हवाले की गई है, जिवें संस्कार कर लेंगे। तो इस मुकदमे विच हुण 302 IPC का वादा करता गया है, तो हुण जिहड़ी फर्दर तफ्तीश आ वो एक मर्डर केस के तौर पर अगे केस पटिश की जाऊगी। रेड किए ने जी कि भी दोषी फरार ने इस वेले जल्दी फड़ ले जाएंगे। ठीक है। देर है पर हनेर नहीं, कि तुसी परेशान हो आज ही संपर्क करो गुरु बशीर खान, कॉल करो 98154-60154। पता लुधियाना, हर परेशानी दा हाल पाओ 100% गारंटी दे नाल। परेशानी जिवे व्याह विच रुकावट, खोया प्यार वापस पाउणा, पति पत्नी विच झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा, इमीग्रेशन मसले, औलाद सुख, बुरे सुपने, बीमारी विच दवा दा ना लगना, लाटरी नंबर पाओ भावे 649 होवे या मेगा मिलियन, हर जगह तो निराश ते धोखा खा चुके दुखी भैन भरा एक बार जरूर संपर्क करो। मैं तुहानू खून हंजू नहीं रोन दियांगा। इट्स माई प्रॉमिस। गुरु बशीर खान 98154-60154।